नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज कौन सी खबरें हमारे एजेंडे पर होंगी, सबसे आपको बताते हैं। अगले डेढ़ घंटे में हम आपको यूपी चुनाव से जुड़ी दिलचस्प खबरें दिखाएंगे, लेकिन साथ ही आज की बड़ी खबर, देश की सबसे अमीर सबसे रईस महानगर पालिका बीएमसी को लेकर वोट डाले जा रहे हैं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट्स आपको देंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश चुनाव में लालू यादव अपने अलग अंदाज में क्या बातें कह रहे हैं, क्या अहम उन्होंने मुद्दे सामने रखे, इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत आज तक के साथ सुबह 10:30 बजे आपको हम दिखाएंगे। जरूर देखिएगा ये खास मुलाकात लालू यादव के साथ। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी एक दिलचस्प खबर के साथ। ये खबर गायत्री प्रजापति को लेकर है, जो अपने विवादों को लेकर पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में है। रेप के आरोप, अवैध खनन के गंभीर आरोप उन पर हैं। लेकिन इस बीच अहम जानकारी ये भी आई है कि सियासत में आने से पहले बीपीएल कार्ड धारक थे, गरीबी रेखा से नीचे थे गायत्री प्रजापति, लेकिन अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो चुके हैं। ऐसे में बीपीएल कार्ड से लेकर बीएमडब्ल्यू तक के सफर का उनका ये राजनीतिक एनालिसिस देखिए। मुलायम के चहेते गायत्री प्रजापति हमेशा से अखिलेश के निशाने पर रहे, लेकिन चुनावी मौसम में सियासी रिश्ते कैसे बदल जाते हैं, उसकी जीती जागती तस्वीर देखिए। गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति पर केस दर्ज हो जाने के बावजूद उनके लिए प्रचार करने अखिलेश अमेठी पहुंचे तो गायत्री ने भी मंच से नीचे उतर कर सीएम साहब का आभार जता दिया कि कहीं उनकी दागी छवि से अखिलेश का दामन दागदार न हो जाए। पवित्र और अपवित्र के इस सियासी संस्करण पर वोटर भी निहाल हो गए। मैं आपके बीच हो जा रहा हूँ, आज आकर के मैं जब तक जो है 27 तारीख तक मान के नहीं रहूंगा, गायत्री प्रजापति आपके जनता के बीच में आ रहा। मेरे बेटे दोनों बेटे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे ना। गायत्री प्रजापति महज 10 सालों के भीतर फर्श से अर्श तक पहुंच गए। 2002 में गायत्री प्रजापति बीपीएल कार्ड धारक थे। 2009-10 में गायत्री प्रजापति की सालाना आय 3,71,000 रुपए थी। 2012 के चुनावी हलफनामे में गायत्री प्रजापति की संपत्ति 1.83 करोड़ थी और 2017 के चुनावी हलफनामे में गायत्री प्रजापति की संपत्ति 10 करोड़ पहुंच गई। कहा यह भी जा रहा है कि 13 कंपनियों में गायत्री प्रजापति के करीबी लोग बतौर निदेशक तैनात हैं। इसके पहले भी मेरे खिलाफ लोकायुक्त के में जो है जांच कराया, कई लोगों ने भाजपाइयों ने कराया। अगर क्लीन चिट मिल गई तो कहां बिल में घुस गए। गायत्री प्रजापति का सियासी करियर बेहद ही दिलचस्प है। बीते 4.5 सालों में वो सरकार और नेताजी की आंख के तारे बने रहे। अखिलेश सरकार में गायत्री प्रजापति ने 4 बार मंत्री पद की शपथ ली। फरवरी 2013 में सिंचाई राज्य मंत्री बने, इसके बाद जुलाई 2013 में स्वतंत्र प्रभार के खनन मंत्री के तौर पर शपथ ली। जनवरी 2014 में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। 12 सितंबर 2016 को अखिलेश ने गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया, लेकिन जल्द ही सितंबर 2016 में ही चौथी बार शपथ लेकर गायत्री प्रजापति मंत्रिमंडल में फिर शामिल हो गए। हालांकि खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति पर सख्ती दिखाने वाले अखिलेश अब रेप के मामले में उन्हें बेकसूर बता रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपसे कि सरकार ने हमेशा निष्पक्ष कार्रवाई दी की। बदायूं में क्या सच्चाई थी, क्या उसके परिवार के दोषी लोग नहीं निकले थे क्या? इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनाव के समय पर समाजवादी पार्टी और सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी हो सकता। हालांकि कभी मुलायम तो कभी अखिलेश के पैर छूते दिखने वाले गायत्री प्रजापति इस बार पैर छूकर नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। लाइव कैमरा एक्शन होते ही गायत्री प्रजापति इसी मंच से बिलक बिलक कर रोने लगे और बोले वो तब तक इस मंच पर वापस नहीं लौटेंगे जब तक जनता उन्हें नहीं बुलाएगी। लेकिन हकीकत ये भी है कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री एक गैंग रेप के आरोपी के साथ मंच साझा करते तो सुर्खियां कुछ और होती। हकीकत ये भी है कि अपने पिता की तरह अखिलेश ने गायत्री का प्रचार करके ये साबित कर दिया कि गायत्री के साथ उनका भी आशीर्वाद है। अमेठी से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
और आइए अब सीधे रुख करते हैं मुंबई का, जहां बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह से ही वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ के बाहर लोगों की कतार लगी हुई है। सिनेमा से लेकर सियासत तक के दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, ये 5 तस्वीरें आपके सामने। फिल्म स्टार हो, सांसद हो, सब यहां पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे रेखा, उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी से लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और फिल्म निर्माता निर्देशक जोया अख्तर के अलावा पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल भी वोट डालने सुबह सुबह पहुंचे। सभी ने अपील की कि लोग बाहर आएं, मतदान करें। 227 सीटों के लिए बीएमसी पर यह चुनाव हो रहा है, और खास बात यह है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद यह पहला चुनाव है। अब ऐसे में आज की वोटिंग इन दोनों दलों का सियासी भविष्य क्या होगा ये तय करेगी। लेकिन इसके साथ ही बीएमसी, जो कि देश की सबसे रईस महानगर पालिका है, अपने आप में हाई प्रोफाइल, इसीलिए सबकी निगाहें इस चुनाव पर भी टिकी हुई हैं कि इसके नतीजे क्या आते हैं। 23 फरवरी को ये नतीजे घोषित होंगे। बीएमसी के अलावा बाकी 9 और नगर पालिकाओं के लिए भी मतदान हो रहा है। नागपुर में नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। नहीं आना, ये लोगों का तय करना है, उन लोगों का। और विकास के ऊपर लोगों का ज्यादा भर ऐसा नहीं लगता, क्या लगता है? नहीं, राजनीति में सरकार तो इसी बात के लिए कि हम लोग लोगों के लिए कितना अच्छा लाइफ दे, उनका जीवन कैसे सुधारे, रोजगार के अवसर कैसे दे, अच्छे रोड कैसे दे, अच्छे अस्पताल कैसे दे, अच्छे स्कूल अच्छे दे, और इसी आधार की कसौटी होनी चाहिए। और जो भी अच्छा काम करता है उसके पीछे अगर मतदार खड़े रहेंगे तो अच्छे काम की ताकत हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर नेता को अच्छा काम करने की ताकत देगा, उसी से बदल होगा। नागपुर में जिस तरह से विकास हो रहे हैं, जिस तरह से मनपा में बीजेपी का रहना बहुत जरूरी है, तो क्या विश्वास है आपको फिर से तीसरी बार बीजेपी का परचम लहराएंगे? मुझे तो 101% विश्वास है कि हम लोग जीतेंगे, पर केवल जीतने से मेरा समाधान नहीं है। हमारे महानगर पालिका में बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले अनिल सोले मेयर थे, उनके नेतृत्व में अच्छा काम किया। फिर प्रवीण दटके हमारे युवा नेता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और हमारे नगर सेवकों ने भी अच्छा काम किया। और विशेष रूप से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे नागपुर के सुपुत्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी तो यहाँ पर भरोसा, उम्मीदें, लेकिन चुनौती भी बड़ी। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप नागपुर की ये दो तस्वीरें जो देख रहे हैं, नितिन गडकरी ने मतदान किया, संघ प्रमुख मोहन भागवत मतदान करने के बाद जब बाहर आए तो मीडिया के सामने एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए दिखाई दिए। लेकिन बेहद दिलचस्प यहां पर यह है कि मुंबई पर सबकी नजरें टिकी हैं कि मुंबई का किंग कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। और आइए इस वक्त सीधे रुख करते हैं बांद्रा का, जहां से हमारे संवाददाता कमलेश तुतार इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। कमलेश, सबसे दिलचस्प इस बार मुंबई का चुनाव है, क्योंकि शिवसेना बीजेपी आमने सामने है, तो दूसरी तरफ बाकी दल भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन क्या मुंबई तय करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और बीएमसी की बात इसलिए भी क्योंकि मार्च में वो बड़ा बजट पास करना है जो अगले 20 साल के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई का होगा उसे तय करेगा। जी मीनाक्षी, ये मसला सिर्फ बीजेपी शिवसेना अलग थलग चुनाव लड़ रही है इसका नहीं है, या फिर बीएमसी सबसे रईस महानगर पालिका मानी जाती है इसका भी नहीं। इस बार इस चुनाव का सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वो इस मुद्दे पर है, बीजेपी शिवसेना हालांकि अलग अलग लड़ रहे हैं। जिस तरह का चुनाव प्रचार रहा था, जिस तरह का एक दूसरे पर हमला दोनों पार्टियों ने बोल दिया था, उसको लेकर महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में राजनीति के हल्के में क्या माहौल गर्मा जाएगा, इसको लेकर बीएमसी चुनाव पर सबकी नजरें गड़ी है। शिवसेना ने तो सीधे सीधे धमकी तक दे दी थी बीजेपी को, कहा था कि सरकार नोटिस पीरियड पर है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकाला जा रहा है कि अगर शायद कल बीएमसी में शिवसेना को हार का सामना करना पड़े तो हो सकता है शायद शिवसेना सरकार से अपना जो समर्थन है वापस ले ले, अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि फिलहाल तो ये सिर्फ अटकलें हैं, शिवसेना क्या वाकई ऐसा करेगी पता नहीं, लेकिन इसका परिणाम तो जरूर महाराष्ट्र में आने वाली राजनीति पर होगा। शिवसेना ने ये सीधे सीधे कह दिया था कि इसके बाद वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, भाजपा के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। मुख्यमंत्री तमाम समीकरण क्या होंगे इसके लिए हमें 23 फरवरी का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप बांद्रा में और हाई प्रोफाइल जगह है, वहां पर कौन कौन लोग आज सुबह से यहां पर मतदान के लिए पहुंचे हैं, बड़े सेलिब्रिटीज आए होंगे, वोटिंग की अपील भी की होगी, सुबह से अब तक का क्या रहा हमें बताएं। जी, इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं वो उद्धव ठाकरे का पोलिंग बूथ है। सेलिब्रिटीज जनरली यहां पर कम है, ये उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख, शिवसेना के अध्यक्ष जो है उनका ये बूथ है, यहां पर आके वोटिंग करने उनके साथ में उनके परिवार के सदस्य, उनके बेटे युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे और उनके के सदस्य, और केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले भी यहां पर वोटिंग करेंगे। और इसीलिए ये बूथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बांद्रा में आता है। शिवसेना समेत कई बाकी पार्टियों के भी नेता यहां पर आकर वोटिंग करते हैं। शुक्रिया कमलेश आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स
के बाद तो कौन बीएमसी चुनाव में बाजी मारेगा, मुंबई का किंग कौन बनेगा, इसके लिए वोटिंग लगातार जारी है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। कुलाबो में जब वोट डालने टीना अंबानी पहुंची तो उनसे हमारी बात की हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह गुनावत ने। इस वक्त हमारे साथ टीना अंबानी जी हैं। मैम, एक ही सवाल करना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, कोई भी बीएमसी कोई भी आए? गुड वर्क फॉर बॉम्बे सिटी एंड गुड वर्क फॉर एनी पार्टी शुड कम दैट दे शुड डू द गुड वर्क। ओके, केवल देखना आप अमित सिंह की वोट डालने पाएंगे कि डल पाएंगे। आप अपील करेंगे मैम सबके लिए, आप मुंबई हैं एक लोकल। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आए लेकिन वो मुंबई के लिए अच्छा काम करे। टीना अंबानी यहाँ आई है, वोट डाल के चली गई है लेकिन अनिल यहाँ नहीं आए हैं। हमेशा देखा गया है कि जब भी चुनाव आता है सबसे पहले अनिल अंबानी कोई भी पोलिंग बूथ वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं, टीना भी साथ में पहुँचती है, उसके बाद वो वोट डालते हैं। लेकिन इस वक्त अनिल अंबानी नहीं दिखाई दिए, टीना अंबानी आई है। उन्होंने एक ही बात कही है कि जो भी पार्टी जीत के आती है बस वो मुंबई के लिए अच्छा काम करे, मुंबई का विकास करे। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। आइए आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में जहां से हमारी संवाददाता विद्या इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ। विद्या, पार्टियों की अपनी राजनीति एक तरफ है, मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन वोटर्स में कितना उत्साह है क्योंकि उन्हें अपना भविष्य चुनना है। शुरुआती घंटों में जो मतदान हुआ है इसको लेकर क्या तस्वीर उभर रही है? अभी थोड़ी देर पहले अभी कुछ लोगों से मैं बात कर रही थी, सबका यही कहना है कि जब भी सिविक पोल्स जब होते हैं, जब बीएमसी के पोल्स होते हैं तो काफी सूना पड़ा रहता है पोलिंग बूथ्स, खासतौर से इन इलाकों में जो ये अपर जो पॉश इलाके हैं वहां पर। और यही वजह है जब यहां लोग आते जाते दिख रहे हैं, लंबी कतारें दिख रही हैं पोलिंग कटने के वक्त, यही देख के लग रहा है कि लोग बदलाव जरूर चाहते हैं। और यही वजह है कि लंबी कतारें, तस्वीर भी आप दिखाएं वहां पर पोलिंग बूथ में क्या इस वक्त तस्वीर है, कितने लोग आ रहे हैं मतदान के लिए? देखिए, आप काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं इस पूरी गली में। थोड़ी देर पहले ही काफी भीड़ थी जब शरद पवार यहाँ आए थे। इतनी बड़ी भीड़ इसलिए भी ज्यादा थी, सब लोग ये जानना चाहते थे कि पवार साहब किसको वोट कर रहे हैं। दरअसल पूरे इस वोटिंग में जहाँ वो करने आए हैं वहां पर एनसीपी का खुद का उनका कैंडिडेट नहीं खड़ा है, कांग्रेस के कैंडिडेट है, शिवसेना, बीजेपी, एमएनएस सबके कैंडिडेट है, उनका कैंडिडेट नहीं है। तो पवार साहब ने आखिर किसको वोट दिया ये सब लोग जानना चाहते थे। तो जब वो आए थे तो काफी भीड़ थी यहाँ पर, अभी भी काफी लंबी चौड़ी भीड़ है, लोग काफी आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको थोड़ी देर दिखा सकूं आगे, जो अंदर की तरफ जो कतार है वो काफी लंबी चौड़ी है। लोग यहाँ पर जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, सबका यही कहना था कि इतनी भीड़ तो कभी नहीं देखी, कम से कम आम तौर पे जब सिविक बीएमसी के पोल्स होते हैं उस समय तो इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। काफी अच्छा लग रहा है लोगों को यहाँ पर पोलिंग करते हुए देख। चलिए लौटेंगे विद्या आपके पास और अपडेट्स के लिए, फिलहाल आपका शुक्रिया।